नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच में फिर हुआ आदमखोर का अटैक, महिला के गले को दबोचने का किया प्रयास, 72 घंटे में 7वीं वारदात। बहराइच से बड़ी खबर, एक रात में आदमखोर जानवर ने 2 महिलाओं पर किया हमला, 72 घंटे के भीतर अब तक 7 लोगों पर हुआ आदमखोर नरभक्षी का हमला। थाना हरदी के सिंगिया नसरपुर में महिला पर हमला करने के बाद सम्मनपुरवा गांव में एक महिला पर नरभक्षी ने किया हमला। सिंगिया नसरपुर गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सम्मनपुरवा गांव निवासी 45 वर्षीय मुकीमन पत्नी हसमत अली पर हुआ आदमखोर का हमला। पीड़ित के परिजनों का कहना है, इलाके में मचा रहे आदमखोर भेड़िए ने किया हमला। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। महसे इलाके में नहीं थम रही नरभक्षी जानवर के हमले की वारदात। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी जारी है आदमखोर के हमले की ताबड़तोड़ वारदात। क्या नाम तुम्हारा? क्या हुआ, किसने काटा तुमको? देख नहीं पाए हैं, गर्दना पकड़ी के बाथरूम कर दौड़ी आए रहा, लाइट नहीं रहा, अंधेर रहा। तो क्या था, कोई जानवर था? अब जब देखे ना हैं तो क्या बताई थी। अच्छा। गर्दना दाबी से। तो कौन इंसान था कि जानवर था, कुछ ऐसा लगा? इंसान तो ना, इंसान हो तो अभी सब खून वून निकल रहा है, लाज है, दांत वांत। तो जानवर है कोई? क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जहीरुद्दीन है। अच्छा, ये जो घायल आई हैं, ये कौन है तुम्हारे? मेरी माँ है। क्या नाम है? मेरा इनका नाम मुकीमन है। अच्छा, क्या हुआ, किसने काटा इनका? जो है रात में उठी थी इस्तंजा करने के लिए, तो लाइट वाइट थी नहीं, तो पीछे से जो है हमला किया है भेड़िए ने। नहीं तो भेड़िए की और कोई जानवर है? भेड़िए ही नहीं, जो है पंजा वगैरह जो बता रहा है कि उसी। अच्छा, किसी ने देखा है? अब सब सो रहे थे, चिल्लानी जब तब हम लोग उठे हैं बाहर से। तो कैसे बची? वो भाग गया, तब उनको उठा करके फिर फोन किया एम्बुलेंस को। किस गांव का मामला है? सम्मनपुरवा का है। सम्मनपुरवा तहसील नासी। अच्छा, जो इससे पहले आज ही की रात एक और घटना हुई है, वो कहाँ से? वो सिंगिया नसीरपुर कितनी दूर तुम्हारे से? सिंगिया नसीरपुर है तकरीबन 5 किलोमीटर। अच्छा, तो ये कौन सा जानवर का हमला है? भेड़िया का है। और भी कोई हमला हुआ है? हमको भेड़िया ने दावा है, साहब सो रहे थे बच्चे लेकर, बच्चे का जैसा गोद में अपने पीछे में पकड़ाए थे और हम ही मुँह करके सोए थे, जैसे भेड़िया दावे ने तैसे हम चिल्लाया है, तैसे सब लोग दौड़े हैं, तैसे भेड़िया पीछे मकई है और मकई में घुस गया। सामान्य जानकारी ली है बस, है ना? अच्छा, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको, यहाँ आए हैं तो क्या लग रहा है, डॉक्टरों ने क्या बताया? अभी देखिए, वो देखा जा रहा है, समझ गए? क्या है मौके पे आप भी हैं? मौके पे हम आए हैं, सामान्य जानकारी लेने आए हैं हम लोग। वो सामान्य जानकारी सर क्या लग रहा है, सर क्या लग रहा है, किसी जानवर का है कि भेड़िए का है, आपको क्या लग रहा है? अरे भाई, अभी देखा जा रहा है, अभी जो बाकी लोगों से, सारे लोगों से। सर वो महिला सोई हुई थी, उसके ऊपर जंगली जानवर ने हमला किया है, सर इसकी क्या पुष्टि करते हैं कि जंगली जानवर है या भेड़िया? बता तो दिए भाई, अभी बताया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।